ऐसे 24,000 से करते हैं ना, नाम बताइए, पकड़िए इसको। नाम है कैलाश प्रसाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कैलाश जी जुड़ चुके हैं, जो कि इनका खुशी का बिल्कुल भी ठिकाना नहीं है। रेलवे ट्रैक मेंटेनर 4 के पोस्ट पे ज्वाइनिंग ले चुके हैं, तो पूरा 20,000 उमंग स्टडी फैमिली की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई है, साथ में इनको शुभकामनाएं। तो बताइए कैसा रहा आपका पूरा प्रोसेस? बहुत बढ़िया, एकदम लाजवाब, कोई दिक्कत नहीं हुआ, सभी लोग अच्छे से सपोर्ट कर रहे थे, एकदम कोई दिक्कत तरह का दिक्कत नहीं, एकदम बेहिचक होके आए और एकदम मस्त हो जाए। मस्त हो जाए ना, एकदम मस्त हो जाए। कहाँ से आए आप? हम बोकारो से आए हैं। अच्छा, चलिए, झारखंड वाले में खोज रहा था, कोई मिल ही नहीं रहा। हाँ। सब बिहार वाले ही मिल रहे थे। हाँ, ये पटना बोर्ड है ना, तो ज्यादा लोग बिहार का ही है। हाँ, पटना बोर्ड है। हाँ, तो इसलिए सब हर कोई चाहता है कि हम थोड़ा घर के सामने हो। अच्छा, आपको कौन सा स्टेशन मिला? हमको बरवाडी मिला। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 280 किलोमीटर के आसपास। 280 किलोमीटर, लेकिन अच्छा है। अच्छा, हाँ, कोई शिकायत नहीं है? नहीं, एकदम शिकायत नहीं है। शिकायत इसलिए नहीं है कि जैसे आप अगर जैसे ट्रैक मेंटेनर हैं तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा काम तो ज़्यादा मिलता ही है, लेकिन जैसे कि ग्रुप ए का अगर स्टेशन रहता तो वहाँ पे और ज़्यादा काम रहता, लेकिन हमारा स्टेशन ग्रुप ई ग्रुप का है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा शांति टाइप का होगा, तो हम लोग को पढ़ने उड़ने का और ज़्यादा मौका मिलेगा, तो ये हम लोग के लिए अच्छा बात है, वो उतना काम नहीं होगा। पॉजिटिव देख रहे हैं? हाँ हाँ, सही बात है, देखना भी सही है, तो कुछ होने वाला है नहीं, वो मिल चुका मिलना। अरे, आप मिल गया वो बहुत बड़ा, समझिए ना आप, आप आज से 15-20 दिन पहले जब डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ था, आप रिजल्ट नहीं आया था, फाइनल अलाउट नहीं हुआ था कि क्या किसको क्या मिला, तब तक आप सोच रहे थे कि कुछ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अब आपको मिल गया तब आप कहिएगा कि इससे अच्छा नहीं होता। अच्छा सब है, ठीक है, उतना एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस तरीके से लेते हैं, लेते हैं। हाँ, तो ये तो एक तरह से ये बहुत अच्छा है कि चलिए आप कहीं तो अटक गए, आदमी सोचता है कि कहीं ना कहीं कम से कम कुछ कुछ तो हो जाए, तो उस हिसाब से हम लोग तो कुछ में आ गए ना, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। तो आप तो बोकारो के थे, तो कल आप बोकारो से निकले होंगे, धनबाद खंड आ गए? हाँ हाँ, फिर हम रात को जैसे हम लोग का छुट्टी यहाँ 9 बजे हुआ था, तो 10 बजे घर गए, सुबह हमें 10 बजे बुलाया था, तो 8 बजे घर से निकले, बोकारो धनबाद देखी है, पहले था भी एक, तो धनबाद बोकारो वाला को। हाँ, ये अच्छा थोड़ा सा ये रहा था मेरा कि धनबाद मंडल में दिया था, तो ज़्यादा इधर उधर दौड़ धूप नहीं करना पड़ा, ये एगो मेरा बढ़िया बात है। ये तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही पता चला हुआ आपको कौन सा मंडल मिला है? हाँ, वो तो कल वहाँ पे साइन करवा रहे थे तो मैंने देख लिया था, वो नहीं जब ज्वाइनिंग लेटर आया होगा। हाँ, तो धनबाद मंडल से ही ज्वाइनिंग लेटर गया। हाँ हाँ हाँ, तभी उस समय पहली बार आपको मालूम चला होगा आपका मंडल धनबाद है। नहीं, उससे पहले कुछ दिन पहले जब पोस्ट अलॉट हुआ था वो नेट पे चेक कर लिया था मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ, ECR का तो स्टेटस पे आया था, स्टेटस पे आया था, तो उसमें चेक कर लिए थे हम। तो नेट पे जब पहली बार चेक किया धनबाद मंडल देखे तो कैसा लगा? धनबाद मंडल देखे तो अच्छा लगा, लेकिन वहीं पे ट्रैकमैन भी लिखा हुआ था, थोड़ा सा हिचकिचाहट हुआ था, बराबर हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ पे जब आपने रिपोर्ट किया तो सबसे पहला आपका कौन सा प्रोसेस हुआ? सबसे पहले एक बार साइन करने के लिए बुलाएं, और वहाँ पे जो जो हमने दिया था वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, वो फिर से दिखाने के लिए बोला कि आपने क्या क्या एथी में दिया, फॉर्म भरने टाइम दिया, उसके बाद जो आपने लिखा है कि एडिशनल में है वो सब दिखाइए, वो सब दिखाया, उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ, ये वो, मतलब जितना प्रोसेस है, मतलब जितना आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम ले गए थे बस उतना लेके आइए, कंफर्म है, इसीलिए हम लोग इसको नाम करें DB Part 2। हाँ, क्या ये? हाँ, ठीक रहेगा ये, अच्छा रहे। और बस इसमें यही खाली एक्स्ट्रा हो रहा है कि इसमें अकाउंट नंबर लग रहा है, बस अकाउंट नंबर और चेक लग रहा है, बस इससे ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है इसमें। और कुछ नहीं है इसमें, उतना टेंशन लेने वाला बात नहीं है, आराम से आए। DB Part 2 स्टार लगा देते हैं। हाँ हाँ, स्टार मतलब चेकबुक और बैंक अकाउंट। हाँ, और NPS वगैरह का फॉर्म तो यहीं पे आपको दिया जाएगा, NPS का फॉर्म यहीं पे दिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और अवल मतलब आपको कहीं ना कहीं जैसे हम यहाँ पे देखें धनबाद मंडल में, तो और सबका तो हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर देखें कि बहुत अच्छा तरह के हेल्प हुआ है। मैंने बहुत सारे डिविजन्स का वीडियो कॉल के थ्रू कवरेज किया, तो धनबाद डिवीजन अभी तक बेस्ट सुविधा दी आप लोगों को। हाँ, बहुत बढ़िया, बीच में एक बार नाश्ता का पैकेट भी मिला था। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों को 24 को रिपोर्टिंग था। हाँ, 23 को 2 बजे रात तक वो लोग काम किया आप लोग के लिए, क्योंकि हम लोग DRM ऑफिस से बहुत सारे एम्प्लॉय से कॉन्टेक्ट में है, वो लोग बता रहे थे। फिर 7 बजे वो लोग आप लोग के लिए आ गए, क्योंकि 8 बजे आप लोगों का रिपोर्टिंग था, और फिर उन्होंने 3 बजे रात तक काम किया। 3 बजे रात तक काम चला, आज मॉर्निंग में वो लोग 7 बजे आ गए। हाँ, वो लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। हाँ, तो लोगों को भी सैल्यूट है हमारा। हाँ, वो लोग लो स्टूडेंट के लिए बाहर से आ रहे स्टूडेंट, तो वो लोग भी चाह रहे हैं कि बच्चे परेशान ना हो, एक दिन में सब कुछ कवर कर दे।
और कल रात में कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, तो मुझे आप लोग को लगता है 4-5 बजे शाम तक बोलो आप लोग को छोड़ देते। हाँ, किसी किसी का होते जा रहा था, मतलब जिस तरह से होते जा रहा था उस तरह से छोड़ते जा रहे थे, लेकिन इतना भीड़ है तो थोड़ा सा, और पहला दिन भी था तो इसके कारण थोड़ा सा लगता है, तो हाँ तो इसी कारण थोड़ा सा उन लोग का भी प्रॉब्लम हुआ। और 6-6 बच्चा एक साथ मैनेज करना नो डाउट इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। हाँ, बहुत ज्यादा। अटेस्टेशन फॉर्म में बारे में बताइए, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि सर कैसे भरे हैं, किससे अटेस्टेशन करवाए हैं, कितना कॉपी, ये वो, इसको थोड़ा डिटेल। जैसे कि पहला में हम लोग का जो चेकलिस्ट था उसमें लिखा हुआ था कि 3 कॉपी करवा लें उसके बाद आप भरना शुरू करें, तो 3 कॉपी करवा के भरना शुरू किए, तो 3 कॉपी मतलब जेरोक्स वाला और एक ओरिजिनल, 4 कॉपी हो जा रहा था। ठीक है, तो हम 4 कॉपी लेके आए थे, लेकिन सर बोले कि 4 कॉपी का हमको ज़रूरत नहीं है, 3 कॉपी मांगा गया है, 3 कॉपी ही चाहिए हमको, तो 3 कॉपी ही चाहिए। और वो जो पीछे लिस्ट दिया हुआ है अटेस्टेशन लिस्ट में, उसमें से किसी एक का भी साइन करवा लीजिए, ठीक है। और कुछ कुछ का कल देखें एक गड़बड़ी कि जैसे कि उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 6 महीना आपको जानना हो, जानना चाहिए, तो क्या किया था एक लड़का, उसको 3 लिखना था, ठीक है, तो 3 ईयर वाला में लिखने का छोड़ के डॉक्टर जो है उसका मंथ वाला में लिख दिया था 3, तो उसके चलते उसका पूरा गलती हो गया, उसको फिर से घर भेजने के लिए भेज दिया कि फिर से आप करवा के लाइए। तो वो रिक्वेस्ट नहीं किया, वो प्रॉब्लम हो रहा था तो रिक्वेस्ट करने से मान जा रहे थे, लेकिन सर बोले कि अब ये तो बड़ा इशू है ना, आपको 6 महीना इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो 6 महीना आप उसको होना चाहिए था। बात है ना कि बिना 6 महीना से जाने को आपका कैरेक्टर कैसे बना सकता है। हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा लोग भी अपने ऊपर क्यों रिस्क ले, क्योंकि रिस्क ले, हाँ। में कहीं जांच होगा तो उन्हीं के ऊपर आएगा, उन्हीं के ऊपर आएगा, तो दे आर डूइंग देयर ड्यूटी, तो हमें भी उनका जरूरत है कि हम लोग उनका सपोर्ट। हाँ, एकदम ठीक है, ये होना भी चाहिए, जैसे कहीं ना कहीं वो रिस्क पे ही तो बना के देना, उनका पे भी रिस्क है। आप किसी को अच्छा बोल दिए हैं, तो अच्छा बोल दिए तो जैसे आप दिखा रहे हैं, और हम कुछ गलत बोल देते हैं तो इस पे आप पे भी तो आएगा ना, तो उसी तरह उन लोग पे भी आ सकता है, इसलिए उन लोग भी अपना ठीक ही किया कि रिस्क नहीं ना लेना चाहिए। और भाई गवर्नमेंट चीज है, जानते ही हैं गवर्नमेंट का काम बहुत सटीक, कभी भी फाइल उठ सकता है मौत के बाद भी। थोड़ा सा यूथ है हम लोग, तो हम लोगों को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके ठीक है थोड़ा सा परेशानी करें, लेकिन हम लोग एग्जांपल सेट करें, क्योंकि मान लीजिए कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट भी गया होगा तो थोड़ा सा नो डाउट परेशानी तो हुआ ही होगा, लेकिन इससे उनको सीख लेने की ज़रूरत है कि हमारा हम आगे ऐसी गलती ना करें। जैसे हम आप अभी बताएं तो अगला जो कोई आएगा तो अगला जो उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, तो वो पेपर पढ़ लें बढ़िया से कि इसमें कितना मंथ लिखा हुआ है, तो कम से कम उतना मंथ का होना ही था। जैसे हम ही गए थे SDO के पास, तो वो SDO जो थे वो साइन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन बोले कि मेरा आया हुआ अभी 4 ही महीना हुआ है, तो बोले कि हम साइन लिख देंगे, हम 6 महीना जानते हैं। हाँ, तो वो बोले कि हम कैसे लिख देंगे हम 6 महीना, तो फिर वो साइन नहीं किए, फिर लास्ट में जाके BDO से करवाए थे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से, तो फिर वो दिए, वो बोले कि ठीक है मेरा 8 महीना हुआ, हम 6 महीना कर सकते हैं। मतलब ऐसा भी परेशानी हो सकता है स्टूडेंट्स को। हाँ, हो सकता है, इस सब के लिए भी प्रिपेयर रहना, मतलब ऐसा नहीं है कि आज आपका ज्वाइनिंग है तो एक दिन पहले आप जा रहे बनवाने के लिए, ऐसा नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं, एक हफ्ता पहले जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट करें, सॉर्ट आउट करें। हाँ, इफ यू आर ऑन अर्ली देन यू आर ऑन टाइम, इफ यू आर ऑन टाइम देन यू आर लेट, मतलब आप समय से पहले पहुंचते तो इसका ये मतलब है कि आप टाइम से हैं, इधर आप टाइम से पहुंचते इसका ये मतलब है कि आप लेट हैं, लेट हैं। ओके, तो अटेस्टेशन फॉर्म और कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताइए। कैरेक्टर तो सर ओरिजिनल वाला ही एक ही लिया, उसका जेरोक्स अभी भी देख सकते हैं, लाइव चल रहा है, उसका जेरोक्स नहीं लगा था, उसका सिर्फ मोबाइल किसके पास है, नेट वाला जा रहा है क्या आप लोग? अच्छा, इसको बताना, ठीक ठीक। उसका जैसे कि एक ही कॉपी लगा था, जो मेन कॉपी भेजे थे उसी पे 2 सिग्नेचर चाहिए था, वही 2 सिग्नेचर वाला एक कॉपी लगा था, उसका जेरोक्स नहीं लगा था। अच्छा अच्छा, तो उसमें जैसे गेजेटेड ऑफिसर का दिया हुआ था, तो उसमें से ही 7 में से किसी एक से करवा सकते हैं, हम तो दोनों डॉक्टर से ही करवा लिए थे जो एथी है। और एक लड़का क्या किया था कि उसका डॉक्टर का नाम दूसरा था और स्टंप दूसरा का लगा दिया था, तो उसके चलते भी एक लड़का को रिटर्न किया था सर। ये सब भी गलती जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उनको नहीं करना, उनको नहीं करना, देख लेना है कि जैसे कहाँ क्या होता है कि मेडिकल में एक ही जगह में 2 डॉक्टर बैठते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि साइन ये किए और मोहर मारने टाइम उठा के गलती से दूसरा वाला का मोहर मार दिए, तो उसको थोड़ा देख लेना है कि क्या कर रहा है। और मैं स्टूडेंट्स को भी थोड़ा सलाह देता हूँ कि आप जहाँ काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो नो डाउट ये ज्वाइनिंग लेटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उनके लिए डेली का काम है, उनसे मिस्टेक्स हो सकता है, उनसे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा सतर्क रहना है, थोड़ा ध्यान बहुत सतर्क रहना है, क्या है कि अब आप
वो आदमी नहीं रहे जो फ्री में घूमते रहते थे बाहर में। अब कल से आपका हर एक टाइम काउंट होगा, काउंट होगा, भारत सरकार उसके लिए आपको पे करेगी, पे करेगी, आपके प्रति जिम्मेदारी बढ़ जाएगा, जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। हाँ अच्छा, आप